Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फ्रेंच बेल्जियन फिल्म अप फॉर लव के बारे में, जो कहानी है डायन नाम की एक औरत की जिसे अलेक्जेंड्रे नाम के आदमी से प्यार हुआ, पर जब उसे पता चला कि वो एक बौना आदमी है तो उनके रिश्ते में तकलीफें बढ़ने लगी। डायन एक लॉयर है जिसने अपना फोन खो दिया था और एक दिन उसे एक आदमी का कॉल आया जिसने बताया कि उसे उसका फोन मिला है। वो आदमी उसी जगह मौजूद था जिस वक्त गुस्से में कॉल पर बात करते हुए डायन अपना फोन वही छोड़ आई। डायन ने पूछा कि उसने उसी वक्त उसका फोन उसे क्यों नहीं दे दिया, तो उस आदमी ने कहा कि अगर वो तभी उसे फोन लौटा देता तो डायन शुक्रिया अदा करके चली जाती और उससे कभी नहीं मिलती, पर अब जब तक वो उसे उसका फोन नहीं देगा तब तक डायन उस आदमी से बातें करेगी और उसके बारे में सोचेगी। ठीक उस वक्त उस आदमी ब्रूनो का कॉल आया जिससे डायन लड़ रही थी। ब्रूनो डायन का एक्स है जिसके साथ 3 साल पहले उसका डिवोर्स हो गया था। डायन ने ब्रूनो के बारे में उस आदमी को बता दिया क्योंकि उससे बात करना डायन को पसंद आने लगा। उस आदमी का नाम अलेक्जेंड्रे है और वो डायन को डेट पर लेकर जाना चाहता था। डायन भी अगले दिन उससे कैफे में मिलने के लिए मान गई और एक नई शुरुआत की उम्मीद में वो अगले दिन अपना काम खत्म करके कैफे पहुंची, पर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उसे पता चला कि अलेक्जेंड्रे एक बौना आदमी है। अलेक्जेंड्रे जानता था कि उसके बौने होने की सच्चाई जानकर डायन को परेशानी हुई है, पर डायन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने डायन से कहा कि उसे अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने होंगे क्योंकि वो उसे एक ऐसे डेट पर ले जाने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। डायन इस बात को सीरियसली नहीं ले रही थी और अलेक्जेंड्रे से बात आगे बढ़ाने में हिचकिचा रही थी, पर फिर अलेक्जेंड्रे ने अपने दोस्त से कहकर एक प्लेन का इंतजाम करवाया और डायन को 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करवाने ले गया। वो बुरी तरह डर गई थी। अलेक्जेंड्रे ने उसे संभाला और डायन को सचमुच एक ऐसा अनुभव मिला जिसने उसे बेहद खुश कर दिया और उसकी जिंदगी बदल दी, और डायन उससे फिर से मिलने के लिए तैयार हो गई। अलेक्जेंड्रे अपने घर वापस लौटा, पर अपने ही घर में वो छिपकर आने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बेटे बेंजी का कुत्ता अलेक्जेंड्रे से बहुत प्यार करता था, पर उसका प्यार उसके लिए भारी पड़ रहा था। एक तरफ जहां डायन अलेक्जेंड्रे और उसकी बातों के बारे में हर वक्त सोचने लगी थी, तो दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रे अपने बेटे बेंजी के बारे में सोचकर परेशान था क्योंकि वो कोई नौकरी नहीं करना चाहता था और एक ऐप बनाना चाहता था। ब्रूनो डायन का बिजनेस पार्टनर है, पर डायन उससे अलग होना चाहती है। ब्रूनो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कोर्ट तक ले जाने की धमकियां देने लगा और डायन की परेशानी बढ़ती गई। उन दोनों के बीच काम में भी बनती नहीं थी क्योंकि ब्रूनो का कोई एथिक्स नहीं था और डायन चाहती थी कि उसका हर काम एथिक्स के साथ हो। सारी परेशानियों से दूर जाने के लिए डायन ने अलेक्जेंड्रे को कॉल किया जो अपने काम में बिजी था, पर वो भी डायन से जल्द मिलना चाहता था। इसलिए उन्होंने उस रात मिलने की बात की और अलेक्जेंड्रे ने उससे एक नई जगह पर मिलने के लिए कहा। वो डायन को एक बंद पड़ी जगह ले गया और अंदर जाते ही डायन को पता चला कि वो जगह एक खुफिया रेस्टोरेंट है जहाँ शिप पर काम करने वाले लोग आते हैं और वहाँ काम करते हैं। उन दोनों ने एक बहुत ही अच्छी शाम बिताई और डायन को समझ आया कि अलेक्जेंड्रे को हर कोई पसंद करता है और वो अपने बौने होने को किसी कमी की तरह नहीं देखता, इसलिए डायन उसे पसंद करने लगी। उसने सोचा भी नहीं था कि किसी को वो इतना पसंद करने लगेगी क्योंकि ब्रूनो के साथ का उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। ब्रूनो समझ गया था कि डायन को कोई मिल गया है क्योंकि वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। डायन उसे कुछ नहीं बताना चाहती थी, पर उसकी असिस्टेंट कोराली ने ब्रूनो को अलेक्जेंड्रे के बारे में बता दिया। बेंजी को भी समझ आ गया था कि उसके पिता किसी से प्यार करने लगे हैं और अलेक्जेंड्रे ने उसे डायन के बारे में सब कुछ बता दिया। उस शाम ब्रूनो ने डायन और अलेक्जेंड्रे को साथ देख लिया जो एक पार्टी में साथ जा रहे थे। डायन और अलेक्जेंड्रे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और साथ खुश तो थे, पर उस रात जब पार्टी के बाद वो दोनों अलेक्जेंड्रे के घर गए तो डायन अलेक्जेंड्रे के कद के बारे में सोचकर परेशान होने लगी और ये बात अलेक्जेंड्रे भी समझ गया था। डायन यही बात अगली सुबह भी सोचती रही। अपने घर लौटने से पहले डायन को बेंजी मिला और उस घर की नौकरानी मोनिक भी मिली जो काम के अलावा सब कुछ करती है, और बेंजी से बात करने के बाद डायन वहाँ से अपने घर चली गई। उसे कोराली ने बताया कि ब्रूनो अलेक्जेंड्रे के बारे में जानता है
और वो ये सोचकर परेशान हो गई कि वो उसका मजाक उड़ाएगा क्योंकि वो एक बौने आदमी से प्यार करती है। और ब्रूनो ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सिर्फ ब्रूनो ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो अलेक्जेंड्रे का मजाक उड़ाते हैं, पर अलेक्जेंड्रे उनका सामना भी नहीं कर सकता। अलेक्जेंड्रे चाहता था कि बेंजी अपने पैरों पर खड़ा हो, और इसीलिए उसकी मदद करने के लिए उसने उसे एयरपोर्ट पर बुलाया और वहाँ मौजूद एक इन्वेस्टर से जाकर अपने बनाए ऐप के बारे में बात करने के लिए कहा। बेंजी से उस इन्वेस्टर ने कहा कि वो उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, और इस बात की खुशी वो अलेक्जेंड्रे और डायन के साथ मनाने लगा। उस रात डायन ने अलेक्जेंड्रे को एक गिफ्ट दिया, जिसे देखकर अलेक्जेंड्रे ने कहा कि उसे कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया है और उसे तोहफे लेने की आदत नहीं। कुछ दिनों बाद अलेक्जेंड्रे ने डायन से कहा कि उसे लगने लगा है कि डायन उनके रिश्ते को दुनिया से छुपा कर रख रही है, और वो चाहता है कि वो उसे अपने दोस्तों और परिवार से मिलवाए। उस वक्त डायन ने कह तो दिया कि वो उसे अपने माता पिता से मिलाना चाहती है, पर जब वो दिन आया तो वो घबराने लगी और उसने अलेक्जेंड्रे को एक दोस्त कहकर अपने माता पिता से मिलवाया। जिस वक्त अलेक्जेंड्रे डायन के परिवार के साथ था, उस वक्त डायन ने देखा कि कुछ लोग उसका मजाक बना रहे हैं, और इसलिए गुस्से में वो उन लोगों के पास गई और उन्हें सबक सिखाकर चुप कराया। पर फिर अलेक्जेंड्रे के पीठ पीछे डायन की माँ भी उसके कद का मजाक उड़ाने लगी, और शर्मिंदा होने के साथ साथ डायन को गुस्सा आने लगा। उनसे मिलकर जब अलेक्जेंड्रे ने अकेले में डायन से बात की और कहा कि उसे उनका रिश्ता कमजोर लगने लगा है, और वो जानता है कि डायन ने अपने माता पिता को उसके बारे में नहीं बताया है, तो डायन ने कहा कि उसके लिए अलेक्जेंड्रे के साथ रहना आसान नहीं, पर वो उसके साथ रहना चाहती है और वो दुनिया को सच बताने के लिए कुछ वक्त चाहती है। अगली सुबह अलेक्जेंड्रे डायन से मिलने उसके ऑफिस आया, और डायन कोशिश करने लगी कि वो और ब्रूनो एक दूसरे से ना मिले, पर वो ऐसा कर नहीं पाई। अलेक्जेंड्रे से मिलने पर ब्रूनो उसका और मजाक उड़ाने लगा, और एक बौने से प्यार करने के लिए वो डायन को एक लूजर बुलाने लगा। डायन इस बात से परेशान हो गई और अलेक्जेंड्रे अपने आप को उसकी परेशानी का दोषी मानने लगा। इसीलिए अगले दिन उसने ब्रूनो का पीछा किया और उससे डायन से दूर रहने के लिए कहा। उसने ब्रूनो को धमकाया, जिसके बाद ब्रूनो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ऐसा होने पर अलेक्जेंड्रे ने फिर से उसका पीछा किया, पर इस बार उससे कहा कि गिले शिकवे भूलकर वो उसके घर पार्टी में आ जाए, ताकि डायन को लगने लगे कि ब्रूनो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और वो अब भी डायन का दोस्त है। दूसरी ओर डायन ने अपनी माँ को बता दिया कि वो किसी से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। पहले तो उसकी माँ ये सुनकर खुश हुई, पर जब उसने बताया कि वो आदमी अलेक्जेंड्रे है, तो उसकी माँ हद से ज्यादा परेशान हो गई। वो अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो बैठी, पर सही वक्त पर डायन उन्हें होश में ले आई। उसने उन्हें पार्टी में तो बुलाया, पर वो जानती थी कि उसकी माँ पार्टी में नहीं आएगी। अलेक्जेंड्रे के पार्टी का दिन आया और वहाँ ब्रूनो भी आया। उस वक्त भी मोनिक हर बार की तरह कोई काम नहीं कर रही थी, इसीलिए अलेक्जेंड्रे को काम करना पड़ा। पर फिर उसे पता चला कि जिन नैपकिन्स को वो ढूंढ रहा है, वो उसकी पहुंच से बाहर है। नैपकिन्स तक पहुंचने में उसे दिक्कत होने लगी, और इस बात का फायदा ब्रूनो उठाने लगा। वो डायन को दिखाना चाहता था कि अलेक्जेंड्रे कितना कमजोर है। तब अलेक्जेंड्रे ने कहा कि अगर उसे लड़ना है तो मर्दों की तरह लड़े, और अगर वो डायन को पाना चाहता है तो उसे पिंग पोंग मैच में हरा कर दिखाए। ब्रूनो ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि वो उसे बुरी तरह हराएगा। डायन की माँ उसका और अलेक्जेंड्रे का रिश्ता तोड़ना चाहती थी, और जब उन्होंने डायन के पिता से कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अलेक्जेंड्रे छोटा है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि अलेक्जेंड्रे नहीं, उनकी सोच छोटी है, और अलेक्जेंड्रे को नहीं, उनको बदलने की जरूरत है। एक रात डायन ने अलेक्जेंड्रे से कहा कि वो अब लोगों को उसका मजाक उड़ाते देख नहीं सकती, और वो उसके साथ चाहकर भी रह नहीं सकती। अलेक्जेंड्रे भी अब इस सब से थक चुका था और पहली बार अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उसने उस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया। और उस दिन के बाद डायन और अलेक्जेंड्रे एक दूसरे से नहीं मिले। वो आदमी जो कभी अपना आपा नहीं खोता था और जिसने 5 सालों तक मोनिक को कुछ नहीं कहा, अब हर चीज से परेशान होने लगा और मोनिक पर भी चिल्लाने लगा। उस दिन उसने बेंजी से पूछा कि वो उसके कद के बारे में क्या सोचता है, तो इसके जवाब में बेंजी ने कहा कि बचपन में उसके दोस्त और उनके माता पिता अलेक्जेंड्रे का मजाक उड़ाते थे और वो ये बात जानता था, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अलेक्जेंड्रे को इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा था। अलेक्जेंड्रे ने कहा कि वो हर किसी से झूठ कहता है, उसे हमेशा से फर्क पड़ता आया है और उसे अपने कद की वजह से काफी तकलीफें सहनी पड़ी है। बेंजी इसीलिए अलेक्जेंड्रे की इज्जत करता था क्योंकि तकलीफों के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और अपना हर दिन शान से जिया है।
उसने यही बात अपने पिता को याद दिलाई और उन्हें हिम्मत दी। डायन और अलेक्जेंड्रे दोनों ही अलग होने के फैसले से खुश नहीं थे, पर चाहकर भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। पर एक दिन डायन अलेक्जेंड्रे से मिलने उसके घर गई। उसने सोचा कि वो अलेक्जेंड्रे से बात कर पाएगी, पर बेंजी ने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा क्योंकि वो अपने पिता को और तकलीफ में नहीं देख सकता। बेंजी की बातें सुनकर डायन हार मान चुकी थी, पर फिर उसकी माँ उसके पास आई और उन्होंने उससे कहा कि उसे जल्द से जल्द अलेक्जेंड्रे के पास जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वो उससे कितना प्यार करती है। डायन की माँ जानती थी कि अलेक्जेंड्रे डायन से बहुत प्यार करता है और इसलिए चाहती थी कि वो अपने प्यार को ना खोए। डायन बिना वक्त गवाए उसके पास स्काई डाइविंग करते हुए जाने लगी। अलेक्जेंड्रे के पास पहुंचना उसके लिए आसान तो नहीं था, पर गलती से वो उसके कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गिरी और उसके सामने अलेक्जेंड्रे आ गया। उसने अलेक्जेंड्रे से माफी मांगी और कहा कि उसे वक्त लगा, पर वो समझ गई कि उसे अलेक्जेंड्रे से नहीं दुनिया की सोच से दूर जाने की जरूरत है और अब वो दुनिया की सोच से आजाद हो चुकी है और अपनी जिंदगी अलेक्जेंड्रे के साथ बिताना चाहती है। उसकी बातें सुनकर अंत में अलेक्जेंड्रे ने उसे माफ किया और उसे फिर से अपना लिया, जिसके बाद वो दोनों कभी अलग नहीं हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।